हेलो फ्रेंड्स, आज अपने पास होंडाई i20 देखिए इसमें प्रॉब्लम है ना, एयरबैग का लाइट आ रहा है। देखिए कार स्टार्ट हो गया, एयरबैग का बंद हुआ, फिर आ गया। देखिए मैं देखिए कार स्टार्ट है, तो चलिए पहले इसको एक बार स्कैन करते, और इसको पहले भी स्कैन किए थे तो जो फॉल्ट कोड आया ना वो स्टेयरिंग के एयरबैग का है। तो चलिए इसको एक बार ओपन करते और चेक करते। तो देखिए फ्रेंड, कवर वगैरह खुल दिए, इसका भी सॉकेट निकाल लेते, ये स्टेयरिंग बार निकालते। तो जो प्रॉब्लम है ना, ये क्लॉक स्प्रिंग का है, तो इसको एक बार चेक करते हैं रिपेयर होगा क्या। खोल लेते हैं, चलिए पहले इसको चेक करते हैं रिपेयर हो पाएगा क्या। इसको भी ओपन करते, ओपन करने के लिए है ना, ये है देखिए लॉक। ये लॉक ओपन करते पहले, देखिए ये लॉक निकल गया। अभी देखते इसका स्ट्रिप खराब हुआ है क्या। ये इसका स्ट्रिप है, जो फोल्ड आ रहा है ना इसी का आ रहा है। अभी एक बार इसको ओपन कर लेते पीछे का कवर, देखिए ये भी निकल गया। ये भी ओपन हो गया, तो उसका स्ट्रिप है ना कहीं से दिख तो नहीं रहा है खराब, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये जो जॉइंट है ना, देखिए ये जॉइंट से खराब हो जाता है। तो इसको भी ओपन करते और यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते, क्योंकि स्ट्रिप तो कहीं से दिख नहीं रहा है। देखिए खराब दिख नहीं रहा है। चलिए पहले इसका एक बार कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो मिस्टेक था ना वो यहाँ पे था। देखिए ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, इसमें मिस्टेक था। तब ये क्लॉक स्प्रिंग रिपेयर किए। अभी इसको पहले बाहर ही चेक कर लेते हैं। बाहर कैसे चेक करेंगे देखिए बताते आपको। जो कनेक्टर है ना, ये इसमें इसमें लगेगा, ये इसमें लग गया, और ये एक साइड का जो स्ट्रिप है ना, ये इसमें एयरबैग में लगाएंगे। देखिए ये लग गया, एक यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, जैसे गाड़ी में लगता वैसे ही है। बस ये ओपन चेक कर रहे हैं अभी। चलिए अभी एक बार इग्निशन ऑन करते,
अभी इसको एक बार स्कैन करते हैं, पहले होल्ड क्लियर करना होगा। देखिए अभी भी ये फॉल्ट जो बता रहा है ना, इसको भी एक बार क्लियर कर लेते। देखिए नो ट्रबल कोड दिखा रहा है। अभी एक बार चाबी ऑफ कर दो, गाड़ी स्टार्ट करके देखिए ये बंद हो गया। अभी कार स्टार्ट है, देखिए बंद हो गया ये। तभी इसको तो ऐसे ओपन ही चेक किए, देखिए ये ऐसे, और यहाँ से ये फ्लॉक स्प्रिंग का जो कनेक्शन है इसमें लगाए, यहाँ पे चेक किए। अभी देखिए एयरबैग का लाइट नहीं आ रहा है। अभी एक बार बंद करते हैं, देखिए देखिए एयरबैग का लाइट बंद हो गया। इसका मतलब ये रिपेयर हो गया एकदम प्रॉपर। तभी इसको पूरा फाइनल फिटिंग करते, फिर एक बार और दिखा देते। और इसमें अभी देखिए फोल्ड कोड है ना, एक बार स्कैन करते और एक बार। देखिए नो ट्रबल कोड आ रहा है। तब ये क्लॉक स्प्रिंग है ना पूरा कंप्लीट करते, देखिए कैसा फिटिंग होता है ना, बताते हैं आपको। देखिए तो फाइनली फ्रेंड्स अभी आपने देखिए चेक किए ना, ओके हो गया है। फिर भी एक बार यहाँ से इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते। देखिए यहाँ बता रहा है, देखिए और ये पलटी करते इसमें लगाते, देखिए ये परफेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो गया ओके। तो अभी इसको क्लॉक स्प्रिंग है ना, चलिए पूरा कंप्लीट करते पहले। अभी देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए ना पहले ये लॉक होगा, जो आपको बताए थे जो फोल्ड था ना, यहाँ पे जो बीच के जो कांटेक्ट होते हैं ना, बीच के कांटेक्ट उसमें हुआ था फोल्ड। बाकी स्ट्रिप वगैरह तो एकदम ठीक है। तो एक बार क्लीन कर लेते। देखिए इसको कंप्लीट करते इसको, और ये जाएगा इसमें। इसको इसे राउंड ले लेना है। अभी इसको घुमा देंगे ऐसा, ये हो गया उसके पोजीशन पे। अभी ये जो वाइट व्हील है ना, इसको लेंगे यहाँ, ये वाइट व्हील भी आ गया। उसके बाद ये कैप है,
इसको एक बार ऐसे घुमा के देख लेंगे। ओके, अभी जो फाइनल है ये इसका लॉक है, इसका लॉक फाइनल लग जाएगा ये, तो इसको लगाएंगे। ये देखिए सब लॉक बैठ गए। अभी देखिए चलिए अभी एक बार इसको कनेक्ट करते हैं, एयरबैग लगाते हैं। अभी स्टार्ट कर लेते एक बार। देखिए अभी जो एयरबैग का लाइट आया है ना, इसको एक बार रीसेट कर देंगे, क्योंकि खोलते हैं ना उसके बाद में। ये देखिए अभी इसको एक बार क्लियर कर लेते। देखिए नो ट्रबल कोड आ रहा है और यहाँ पे लाइट ऑन है। एक बार बंद करेंगे कार, फिर ऑन करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए कार अभी स्टार्ट है। देखिए कार स्टार्ट है, एयरबैग का लाइट नहीं आ रहा है और यहाँ भी नो ट्रबल कोड है। तो ये जो रिपेयर किए क्लॉक स्प्रिंग, ये सक्सेसफुल रिपेयर हो गया है। अभी इसको कंप्लीट फिटिंग कर लेते, आपको फाइनल वीडियो दिखा देते। फाइनली फ्रेंड्स अभी इसको फिटिंग कर देते, इसको मैच करना होता है। स्टेयरिंग लगा के एक बार चेक कर लेते। अभी एयरबैग लगा के एक बार देख लेते। अभी तो लाइट इसमें शो हो रहा है, देखिए अभी तो एयरबैग का लाइट आ रहा है, लेकिन अभी ये फिटिंग करते फिर देखते। चलिए अभी इसको लगा दिए, अभी एक बार स्टार्ट करते। तो फाइनली फ्रेंड पूरा कंप्लीट हो गया, फिटिंग हो गया। अभी एक बार इसको चेक कर लेते। हम देखिए स्टार्ट किए, लाइट बंद हो गया। एक बार बंद करके देख लेते। देखिए हो गया सक्सेसफुल। जो प्रॉब्लम था इसका था क्लॉक स्प्रिंग का, तो ये रिपेयर कर दिए। हो गया फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।